ने भारत और नेपाल के बीच में दूरी पैदा करने के लिए एक और बड़ी चाल चली है, जो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नेपाल का भारत पर से निर्भरता कम करने के प्रयासों में चीन ने शुक्रवार को नेपाल को अपने 4 बंदरगाहों और 3 लैंड पोर्टों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। माना जा रहा है कि चीन का यह बड़ा दाव अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए जमीन से घिरे नेपाल की भारत पर व्यापारिक निर्भरता कम करने की कोशिश के मद्देनजर है। चीन के इस दाव से स्पष्ट है कि नेपाल का झुकाव चीन की ओर बढ़ जाएगा। विदेशी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नेपाल चीन के शेंजन, लियानयुंगांग, झांजियांग और टियानजिन तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। इसमें से टियानजिन बंदरगाह नेपाल की सीमा से सबसे नजदीक बंदरगाह है, जो करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक इसी तरह से चीन ने नेपाल को लंझाऊ, ल्हासा और शिगाट्स लैंड पोर्टों के इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है। चीन की यह पेशकश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नेपाल के लिए वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराएंगे। इस नए अरेंजमेंट के अंतर्गत चीनी अधिकारी तिब्बत में शिगात्से के रास्ते नेपाल सामान ले जा रहे ट्रकों और कंटेनरों पर परमिट देंगे। माना जा रहा है कि इस सौदे ने नेपाल के लिए कारोबार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। खास बात है कि अब तक नेपाल तीसरे देशों से व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों पर पूरी तरह निर्भर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन के साथ ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट के प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार और गुरुवार को नेपाली और चीनी अधिकारियों की बैठक में नेपाल के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविशंकर सैंजू ने कहा कि तीसरे देश के साथ कारोबार के लिए नेपाली कारोबारियों को बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए रेल या सड़क किसी भी मार्ग का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान मार्च 2016 में चीन के साथ ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो अब प्रोटोकॉल का आदान प्रदान होने के बाद लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि 2015 में मधेसी आंदोलन ने नेपाल को चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का पता लगाने और भारत पर अपनी दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने के लिए मजबूर कर दिया था। 2015 में मधेसी आंदोलन के दौरान नेपाल में रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।